क्या कैलाश विजयवर्गीय जेल जाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या बीजेपी को इंदौर एक से हार का सामना करना पड़ेगा? क्या कांग्रेस निर्विरोध चुनाव जीत जाएगी? अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन को लेकर कड़ी चुनौती देने हाईकोर्ट जा रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि न्यूज की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस अब उनके नामांकन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उन पर दो पेंडिंग केस छिपाने का आरोप लगा है। इन आरोपों पर जब कैलाश विजयवर्गीय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये किसे याद रहता है कि उस पर कितने केस है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने कहा कि वह कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन फॉर्म स्वीकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाएगी और मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत करेगी। कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने दो लंबित मामलों की जानकारी छिपाई हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इंदौर एक से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी है। शिकायत में मांग की है कि झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए विजयवर्गीय का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। विजयवर्गीय इंदौर एक से बीजेपी उम्मीदवार है। उन पर चुनावी हलफनामे में दो मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप है। एक पश्चिम बंगाल में सामूहिक बलात्कार की शिकायत से संबंधित है, तो दूसरा छत्तीसगढ़ अदालत द्वारा जारी स्थायी वारंट से संबंधित है। मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी ने उनके नामांकन की जांच की और इसे पास कर दिया। बंगाल मामले के बारे में पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने कहा कि इसे याद रहता है कि उन पर कितने केस है। वही छत्तीसगढ़ मामले पर उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कोई समन नहीं मिला। बुधवार को राज्य कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि विजयवर्गीय की यह दलील है कि उन्हें कथित सामूहिक बलात्कार का मामला याद नहीं है, यह सही नहीं है। अब कांग्रेस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी और उनके नामांकन को चुनौती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।